हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हमारे मिथिला का बहुत ही स्वादिष्ट कच्चे आम की चटनी, दो प्रकार की और खट्टी। तो आइए इसे बनाना शुरू करें। इसके लिए हमें चाहिए कच्चा आम। आम को छिलके के साथ ही हमें धो लेना है। धोकर आम को हम साफ कर लेंगे और फिर इसे छील करके इसके छोटे टुकड़े हम कर लेंगे। अब हम इस कटे हुए आम के दो हिस्से कर लेंगे, क्योंकि हमें दो तरह की चटनी बनानी है। तो आधे कटे हुए आम की अभी हम खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। इसके लिए हमें लेना है कटा हुआ आम, नमक, चीनी, कुछ साबुत मसाले। साबुत मसाले में हम लेंगे सूखी लाल मिर्च, साबुत धनिया 1 टीस्पून और 5 फोरन 1 टीस्पून। 5 फोरन कैसे बनाते हैं ये अगर आपको नहीं मालूम हो तो इसका वीडियो है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। साबुत मसाले को हमें भून लेना है। फ्राइंग पैन हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम लाल मिर्च डालकर उसे भूनेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा पलट करके इसे सेक लेना है। उसके बाद हमें साबुत धनिया, इसे भी हल्का सा पलट कर सेकना है और अब 5 फोरन डालकर हमें भूनना है। इसमें किसी तेल की आवश्यकता नहीं है, सूखा ही हम इसे भूनेंगे। हमारा मसाला भून चुका है तो गैस हम बंद कर लेंगे और इसे अब थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इस कटे हुए आम के दो हिस्से कर लेंगे, क्योंकि हमें दो तरह की चटनी बनानी है। तो आधे कटे हुए आम की अभी हम खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। इसमें हम भुने हुए मसाले मिक्स अब डाल लेंगे। 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून नमक, थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे गाढ़ा पीस लेंगे। चटनी हमारा पीसकर तैयार हो चुका है। तो अब हम हमारे दूसरे चटनी की तैयारी शुरू करते हैं, जो कि है खट्टी चटनी पुदीने वाली। इसके लिए हमें चाहिए कटा हुआ आम, जो हम आधा रखे थे वो लेंगे। पुदीने के पत्ते, इसे धो करके हमने साफ कर लिया है। पुदीना का पत्ता आप आम कितना उसके क्वांटिटी के हिसाब से रखें। नमक और सूखी लाल मिर्च, लाल मिर्च हम 3 लिए हैं। चटनी जितनी क्वांटिटी में बनानी हो लाल मिर्च की क्वांटिटी आप उतनी लें। लाल मिर्च को हमें सेक लेना है। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसे बिल्कुल हल्का सा सेकना है, जले नहीं ये ध्यान रखना है। और आम की चटनी में हमेशा सूखी लाल मिर्च को ही सेक करके डालें, इससे इसमें खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कलर साथ में। तो यहाँ पर हरी मिर्च का प्रयोग नहीं करें। मिर्च हमारा सेक चुका है, आम, सूखी लाल मिर्च, पुदीने का पत्ता, और स्वाद अनुसार नमक, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हमें गाढ़ी चटनी पीस लेनी है। चटनी हमारा पीस चुका है। अब हम हमारा तीसरा आइटम, जो कि है आम की गुड़ वाली खटमिठी, वो बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो हम आम लिए हैं वो हल्का सा पीला, ताकि इसमें एक हल्की सी मिठास हो। बहुत ज़्यादा खट्टा आम हमें नहीं लेना है। अगर हम बहुत ज़्यादा खट्टा आम लेंगे तो हमें 1 या 2 दिन भीगने के लिए छोड़ना पड़ेगा खटमिठी बनने के बाद, तब हम उसे खा पाएंगे। लेकिन हम ये आम जो लिए हैं वो पका हुआ नहीं है, हल्का सा ही ये पीला है,
इसका हमें यहाँ फायदा ये मिलेगा कि इसे तुरंत बनाने के साथ ही आप खा सकते हैं। तो आम को छील करके हमने टुकड़े कर लिए हैं। गुड़, आम चूंकि हमारा 250 ग्राम है तो गुड़ भी हमें 250 ग्राम ही लेना है। आम और गुड़ की क्वांटिटी बराबर लेनी है। नमक, हल्दी, फोरन के लिए हमें चाहिए तेजपत्ता 5 फोरन और हींग। इसके लिए हमें एक पाउडर बनाना है कुछ मसालों का। इसके लिए हमने लिया है साबुत लाल मिर्च, साबुत धनिया और साबुत जीरा। इन सब की क्वांटिटी हमारा आम 250 ग्राम है उसके हिसाब से हम लिए हैं 4 लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून साबुत जीरा। अब हम इसे भून लेंगे। भूनकर इसका हमें पाउडर बनाना है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। मिर्च डाल के हल्का सा सेकना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा मसाला जले नहीं और मसाले को सूखा ही भूनना है। हल्का सा इसे पलट दें और दोनों तरफ से लाल मिर्च को सेक लेना है। मिर्च सीख चुका है तो यहाँ हमें साबुत धनिया पहले डालना है और इसे 2-4 बार ही चला करके सेकना है। इसमें से एक खुशबू सी आनी चाहिए। जलना नहीं चाहिए हमारा मसाला। और अब हम डालेंगे साबुत जीरा और जीरा डाल करके सिर्फ 2-3 बार हमें चलाना है और उससे उसके बाद हमें गैस बंद कर लेना है। मसाला हमारा भून चुका है, मसाला ठंडा हो चुका है तो इसे हमें अब सूखा ही पीस करके इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर हमारा भुने मसाले का तैयार है। तो अब हम खटमिठी के लिए कढ़ाई गर्म कर लिए हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। तेल हम यहाँ डालेंगे। तेल हम सरसों का लिए हैं। हमारे मिथिला के खाने में सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है और इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा बनता है। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो हम यहाँ तेजपत्ता और 5 फोरन डालकर हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा लाल हो चुका है तो अब हम यहाँ डालेंगे हींग। अगर हींग कच्चा रहेगा तो खटमिठी में उसकी स्मेल सी आएगी। तो ध्यान रखना है कि हमें लाल कर लेना है भून करके। फोरन हमारा भून चुका है तो यहाँ हम इसमें कटा हुआ आम डाल करके हल्का सा भून लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे गुड़। तेज आंच पर ही अभी हमें इसे भूनना है और गुड़ तेज आंच पर भूनने से हल्का सा पिघल जाता है। तेज आंच पर अभी हम इसे भूनेंगे। और अब हम यहाँ ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर। नमक हम 2 टीस्पून लिए हैं। नमक की क्वांटिटी आम कितना ले रहे हैं आप उसके हिसाब से रखना है। और भुना हुआ हमारा धनिया, जीरे और लाल मिर्च का जो पाउडर हम भुनकर तैयार किए हैं वो यहाँ मिक्स कर लेंगे और तेज आंच पर ही हम करीब 5 मिनट इसे चलाएंगे ताकि गुड़ इसका पिघल जाए। गुड़ काफ़ी पिघल चुका है तो अब हम यहाँ इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसे तेज आंच पर हल्का सा इसे खोलने देंगे। पानी की क्वांटिटी उतनी ही रखनी है हमें कि आम पक जाए और गुड़ का चाशनी सा बन जाए गाढ़ा सा, जिससे कि खटमिठी बनने के बाद सूखा ना रहे, हमेशा रस भरा रहे उसमें। इसे ढक कर के करीब अभी हम 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट हमारा हो चुका है तो यहाँ पर हमें देख लेना है कि हमारा आम पका या नहीं। और अब हमें ढकना नहीं है, तेज आंच पर ही इसे हमें खोलाना है।
अब हम 10 मिनट पकाने के बाद चेक कर लेंगे कि आम पका या नहीं। आम पक चुका है, सिर्फ इसे गाढ़ा करना है, इसका गुड़ का चाशनी जैसा गाढ़ा बन जाना है चाहिए। गुड़ की चाशनी जैसी गाढ़ी बन चुकी है यहाँ, तो तेज आंच पर ही हमें इसे अभी चलाना है हल्का सा। तेज आंच पर ही भूनते हुए हमें करीब 10 मिनट तक हम इसे अभी चलाए हैं। आम भी हमारा पक चुका है और चाशनी बिल्कुल जितना हमें चाहिए खटमीठी के लिए वो भी गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। गैस हम बंद कर लिए यहाँ और इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। खटमीठी हमारा बनकर तैयार है, तो इसे अब एक बर्तन में हम निकाल लेंगे और इसे फ्रिज में नहीं रखना है, इसे रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। ये रूम टेम्परेचर में ही महीनों रह सकता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ये। इसे इस तरह से किसी जाल से ढक दें ताकि इसको हवा लगती रहे, और आप अधिक मात्रा में भी ये बना करके रख सकते हैं। अब आम का दोनों ही चटनी और खटमीठी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारे मिथिला का ये तीनों ही स्वाद बहुत पसंद आएगा। तो आप भी इसे बनाएं, खाएं और हमें भी कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।